राजस्थान में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो चली है। तीन सांसदों के इस्तीफे के बाद तिजारा से विधायक चुने गए महंत बालकनाथ ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर से भी मुलाकात की। वहीं वसुंधरा राजे आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। इसी बीच जयपुर में बीजेपी में बड़ा ड्रामा भी देखने को मिला। सूत्रों की अगर माने तो मंगलवार देर रात सीकर रोड स्थित एक होटल में बीजेपी के 5 से 6 विधायक ठहरे थे। इनमें किशनगंज विधायक ललित मीणा भी थे। साथ ही विधायकों की बात और हाव भाव देखकर ललित को शक हुआ कि पार्टी के किसी बड़े नेता के इशारे पर लॉबिंग हो रही है, क्योंकि वे कोटपूतली से आगे किसी होटल में जाने की बात कर रहे थे। मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि होटल वगैरह की बात मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच है कि ललित मीणा के पिता से मंगलवार शाम मेरी मुलाकात हुई थी। जल्दी पार्टी ने, पूर्ण भारतीय जनता पार्टी जनता ने दिया है, राजस्थान की जनता ने, जल्दी ही विधायक दल की बैठक भी होगी पर्यवेक्षक के नियुक्ति होते ही। मैं सोचता हूँ जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो विधायक दल की बैठक भी कॉल की जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद आगामी कार्यक्रम प्रक्रिया की तैयारी। अच्छा, कल से एक खबर चल रही है, बाड़ेबंदी जैसी खबरें आ रही है। कोई बाड़ेबंदी, सब लोग को अपने क्षेत्र में निर्देशन कर रहे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सभी सब लोग। ललित मीणा की बात आई है कि किसी होटल में ठहराया गया, फिर आपके संगठन के रहे उनको लेकर आए, फिर आप क्या नहीं, सभी अपने क्षेत्र में है और सब लोग जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, देवदर्शन कर रहे हैं, जहाँ मन्नत मांगनी पूरी कर रहे हैं, और जैसे ही विधायक दल की बैठक तय होगी सब लोग जयपुर।